वेलकम टू डेक्स्टर ट्यूटोरियल। आज का जो वीडियो लेक्चर है बच्चे लोग, उसमें हम आज अपने टॉपिक कवर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज नंबर 2.1 को हम लोग आज सॉल्व करेंगे हमारी ये एक्सरसाइज में, ठीक है। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले हमें इन चार चीजों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में हमने इसे पढ़ा है, ठीक है। फर्स्ट मैंने लिखा है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग अब इसको डिग्री के हिसाब से पढ़ते हैं कि डिग्री में आप इसको कैसे कंपेयर करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है कि बाय क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 1 होती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसकी डिग्री क्या होती है 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 3, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 4। यानी आप जब कोई भी इक्वेशन यानी पॉलिनोमियल देखोगे तो उसकी डिग्री से आप बता सकते हो कि ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है कि बाय क्वाड्रेटिक है, ठीक है। मैं एग्जांपल भी लिखता हूं, जैसे कि 2x-2, ठीक है बच्चों। देखो इसकी डिग्री कितनी है 1, इसलिए ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। एक और लिख लेता हूं 5x, ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल हो गया अपना लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 1। माइनस प्लस सॉरी प्लस 7 ले लेता हूं, एक बार एक माइनस में आ गया एक बार प्लस में आ गया, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल ये भी हमारे लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है बच्चों 1, ठीक है। अभी आप लोगों को ये पॉलिनोमियल को कंफ्यूज मत होइए, पॉलिनोमियल और हमारे पास एक और चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है वो लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन और लीनियर पॉलिनोमियल में फर्क क्या होता है कि इक्वेशन में इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ जाएगा आपको, ठीक है। और लीनियर पॉलिनोमियल में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख लेते बच्चों लोग हम लोग, कुछ इस तरीके से होगा वो 2x² + 3x + 2, ठीक है। क्या पावर है बच्चों इसका, डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो ये कौन सा हो गया अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर मैं ले लेता हूं 5x² अगर ऐसा है, ठीक है, तो भी आप इसको बोलोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 2x² + 7 अगेन ये भी हमारा क्या है बच्चे लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों अभी हम लोग करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन कैसी रहेगी, 3x³ + 2x² + 2x + 2, ठीक है। आप देख रहे हो कि ये इक्वेशन के अंदर जो सबसे बड़ा पावर है यानी सबसे बड़ी जो डिग्री है वो कितनी है बच्चे लोग 3, तो इसीलिए ये इक्वेशन ये सॉरी इसको ये पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम लोग बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करते हैं, इसमें क्या होगा बच्चे लोग 4x⁴ ठीक है। यहां पर देख रहे हैं आप सबसे बड़ी जो डिग्री है वो क्या है बच्चों लोग 4, इसीलिए ये हमारा क्या रहेगा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों लोग। इन सब का मैं स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिख के दिखाता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है ax + b, इसका होगा ax² + bx + c, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। फोर्थ वाले का होगा ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e, ठीक है बच्चों। ये इन सब का कौन सा फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। याद रखिए स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग बच्चों लोग जर्नल फॉर्म भी बोलते हैं। अब इन सब में एक चीज कॉमन है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर a के बदले 0 आ गया तो 0 × x 0 हो जाएगा, तो हमारे डिग्री वाला पार्टी गायब हो जाएगा जिससे हम अपनी इक्वेशन को बता रहे हैं।
तो हमेशा याद रखिए कि ये सम के अंदर यानी ये इक्वेट ये पॉलीनोमियल के अंदर a कभी भी किसको इक्वल नहीं रहेगा जीरो को। ठीक है बच्चों, ये इतना मैंने आपको क्यों समझाया क्योंकि हमारा जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके लिए हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म और पॉलीनोमियल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जो यूज करेंगे बच्चों कभी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल यूज करेंगे जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाएंगे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम लोग बच्चों। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 है जिसके मैंने दो क्वेश्चन यहाँ लिख के रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको बोल रहा है राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पढ़ा था अभी, अब हम लोग को बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के रखा है, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। यानी जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी वो हमारे जर्नल फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगी। तो आप इसी फॉर्म में इसको कोई भी दो इक्वेशन को बना दो, आपका सम सॉल्व हो जाएगा। करना क्या है, ए के बदले आपको कोई नंबर लिख देने हैं, बी के बदले भी कोई नंबर, थ्री के बदले भी कोई नंबर। नंबर्स कैसे होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। रियल नंबर क्या होते हैं बच्चों, जो हमारी नंबर लाइन पे आते हैं। ठीक है, हमने कंडीशन भी पढ़ी थी कि ए कैन नॉट बी जीरो, यानी ए को हम जीरो नहीं ले सकते, यानी बी को जीरो ले सकते हैं, सी को भी जीरो ले सकते हैं, लेकिन ए को जीरो नहीं ले सकते। ठीक है, कंडीशन याद रखिएगा कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, उसके अलावा आप कहीं बी में भी जीरो ले सकते हैं, सी में भी जीरो। इसी को देखते देखते आप नंबर लिख दीजिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में ए बी और सी के बदले कोई नंबर लिख दीजिए। देखते हैं a, तो मैंने a के बदले लिखा 2x² प्लस b, अगेन 2x प्लस c के बदले अगर आप हमने वापस से क्या लिख दिया 2 = 0। आप कोई भी नंबर अपने हिसाब से लिख सकते हैं, हमें दो बनानी है, मैं एक और बनाता हूँ। देखो अलग अलग नंबर यूज करके 5x² - 2x + 3 = 0। ठीक है, देखिए हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से a 2 है, b 2 है, c भी क्या है 2 है, x² x और यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में देखिए 5x² यानी a के बदले मैंने 5 लिखा है, b के बदले मैंने -2 लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, +2 - -2 कुछ भी लिख सकते हैं हम, x वेरिएबल है, प्लस c के बदले मैंने क्या लिख दिया है 3। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। अब सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्स्ट चीज क्या याद रखनी है आपको, फर्स्ट वन वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल कितना होना चाहिए एक, यानी यहां पर देखिए एक्स एक्स है, एक्स ही होना चाहिए, एक्स वाई होएगा, एक्स जेड होएगा, अलग अलग वेरिएबल होंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, फर्स्ट याद रहेगा। सेकेंड, हाईएस्ट डिग्री जो है वो क्या होना चाहिए 2। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है बच्चे लोग तो समझ जाना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, आप क्या करोगे बच्चों, जब आप इक्वेशन आपको डिसाइड करने बोलेगा तो सबसे पहला इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि इज इक्वल्स टू जीरो, यानी हमारे राइट हैंड साइड पे हमें जीरो होना चाहिए और बाकी के सारे इक्वेशन के जितने भी नंबर्स हैं वो ये साइड होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए x² + 5x - 2 = 0 स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच खा रहा है। अब सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, क्या ये वेरिएबल वन है, एक वेरिएबल है इसके अंदर, यानी यहां भी x है, यहां भी x है, कहीं पर अलग अलग वेरिएबल नहीं। सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन हैज वन वेरिएबल एंड इंडेक्स, हाईएस्ट इंडेक्स, ऊपर जो नंबर है हाईएस्ट वो कितना होना चाहिए 2, तो 2 है, तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द गिवन इक्वेशन हैज वन वेरिएबल एंड हाईएस्ट इंडेक्स इज 2, देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, हो गया बच्चों समझ में। सेकंड वाला सम को देख लेते हैं, यहां पर देखिए सेकंड इक्वेशन हमारा सॉल्यूशन। पहला मेरा क्या काम है, मुझे इक्वेशन को चेक करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो आप देखो ये और ये दोनों भी इधर आना चाहिए, यानी मेरे को इक्वल्स टू भी ये साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड लाना है।
क्योंकि मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन क्या बोलती है, राइट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए, जीरो। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा, तो हम लोग चेंज कर लेते हैं, y स्क्वायर हो गया, ये यहाँ पर प्लस है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू जीरो। बराबर हो गया बच्चों, देखो हमने ये दोनों को यहाँ लेके आ गया तो हमें राइट हैंड साइड पे क्या मिल गया, जीरो। ठीक है, अब देखिए क्या इसमें वेरिएबल एक है, वन वेरिएबल चेक करना है, हाँ दोनों जगह पर y है, x y नहीं है, y है, चलेगा, अलग वेरिएबल है चलेगा, लेकिन दोनों के अंदर वेरिएबल सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिग्री कितनी है इसकी, टू, हाईएस्ट डिग्री एंड हाईएस्ट इंडेक्स भी टू है, तो अगेन ये भी कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, लिख लेते हम लोग, सॉल्व कर लेते हम लोग, द गिवन इक्वेशन हैज वन वेरिएबल एंड हाईएस्ट इंडेक्स इज टू, देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो हमने दो सम सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर टू के अंदर और सब क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं हम लोग बच्चों, क्वेश्चन नंबर थ्री। ठीक है, यहाँ पर आप इक्वेशन को देख रहे ध्यान से कि नीचे यहाँ पर डिनोमिनेटर में यानी ये वेरिएबल फ्रैक्शन में दे दिया है हम लोग को, तो हमको ये डिनोमिनेटर में से y को हटाना है, तो आप क्या करोगे, ये पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लीजिए आप, y स्क्वायर इनटू y प्लस 1 अपॉन y इनटू y इज इक्वल टू 2 इनटू y। आप देख रहे हैं कि मैंने हर एक एलिमेंट के साथ में y को मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में y था, तो जब डिनोमिनेटर में y आएगा तो सबसे पहले आप y को हटाएंगे, तो देखिए y स्क्वायर इनटू y इज इक्वल टू y क्यूब हो जाएगा आपका, ये y और ये y क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस 1 इज इक्वल टू 2y। ठीक है, अब हमको क्या चेक करना है बच्चे लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, पर ये इक्वेशन मैं देख रहा हूं तो मुझे यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या दिख रहा है, डिग्री 3 नहीं है, मुझे डिग्री 2 चाहिए था, अगर 2 है तो ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर डिग्री यानी हाईएस्ट पावर कितना आ गया 3, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो आप इसको बिना अरेंज करे ही डायरेक्ट आंसर लिखेंगे क्या, देखिए ये हमारा द गिवन इक्वेशन हैज वन वेरिएबल एंड हाईएस्ट इंडेक्स इज 2, देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर कैसा लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन has one variable, variable one है, ठीक है, but highest index is 3, therefore this is not a quadratic equation। ठीक है, यानी हमको दो condition दोनों fulfill होगी तभी ये quadratic equation है, वेरिएबल वन था इसमें लेकिन डिग्री टू होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कितनी है 3, तो हमने अपनी इक्वेशन जो हम लिखते हैं वो हमने क्या कर दिया है, चेंज, यानी अपने पास एक है यानी इक्वेशन रहता है तो भी है अपने पास स्टेटमेंट, इक्वेशन नहीं रहेगा तो भी हमारे पास स्टेटमेंट है। ठीक है, थोड़ी जगह कम है अपने पास, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर 3 के जैसा ही है, यहाँ पर भी नीचे x है, तो हम पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, सॉल्यूशन x into x प्लस 1 अपॉन x इंटू x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू x। ठीक है बच्चों, x इंटू x क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस ये x कट हो गया तो क्या मिला 1 इज इक्वल टू माइनस 2x, कहीं 3 नहीं मिला है, यानी हम इसको अरेंज कर लेना है, तो पहले इसको ये साइड लेके आ जाएंगे, ये माइनस है यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए वेरिएबल 1 है और इंडेक्स हाईएस्ट कितना है 2, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, आपको स्टेटमेंट यही कॉपी करना है और दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, इसमें हम लोगों को थोड़ा सा अलग टाइप में दिया है, ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे, देखो पहले m को m से मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये m को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से,
तो m into n, m square, m into 5 क्या मिल जाएगा हमको -5. अब हमने m को इन दोनों से मल्टीप्लाई करा. अब सिमिलरली हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे. 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, m से. प्लस 2 into m, 2m, प्लस into minus, minus 2, 5 जा 10 is equals to 0. ठीक है बच्चों, अब देखो इन दोनों के वेरिएबल सेम है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है. माइनस इनटू प्लस माइनस होता है, यानी हमें मिलेगा m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0. कंपेयर कर लीजिए अब स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको. वन वेरिएबल है, हां वन वेरिएबल है इसके अंदर. ठीक है, डिग्री हाईएस्ट कितनी है, 2. हां डिग्री 2 है. तो डायरेक्टली ना स्टेटमेंट आपको पता है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है बच्चों, सिक्स्थ वाला सम आप देख रहे हैं, जैसे ही वैसे आपको पता चल रहा है सॉल्यूशन वेरिएबल 1 है लेकिन हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. प्रैक्टिस सेट 2.1 का थर्ड सम, यहां पर हमको क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax2 bx c इज इक्वल्स टू 0, यानी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने वहां लिख के भी रखा है. देन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद राइट द वैल्यू ऑफ, उसके बाद आपको वैल्यू लिखनी है a b और c. ठीक है, और हमें 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 को सॉल्व करना है. ठीक है, तो देखते हैं हम कैसा सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन इक्वेशन दिख रही है आप लोगों को, स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से नहीं. स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको इक्वल्स टू के बाद क्या आना चाहिए, 0. हम क्या करेंगे, इन दोनों को ये साइड लेके आ जाएंगे. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2y एज इट इज रहेगा. ये यहां पर प्लस है, यहां आएगा तो माइनस. ये प्लस, ये माइनस है, यहां आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. अरेंज कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में. क्यों, स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर स्क्वायर पहला होता है, तो y स्क्वायर पहले, प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0. हमने एक काम कर दिया, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिख दिया. लिखने के बाद तीन वैल्यू बताइए, a की, b की और c की. कैसा करेंगे, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया मैंने. अब देखिए ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब आप यहां देखिए a के बदले यहां पर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू b, b के बदले यहां पर क्या है 2, c इज इक्वल्स टू c के बदले यहां पर क्या है 10, पर 10 के साथ में माइनस है, ये दोनों पॉजिटिव था तो ऐसे लिख दिया हम लोग ने, ये नेगेटिव है तो क्या लिख दिया हम लोग ने माइनस 10. ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल सम है. ठीक है, अब एक चीज का याद रखिए, यहां पर y दिया हुआ था तो आप y स्क्वायर y लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेकंड वाला सम देखिए, यहां पर हमें यहां पर इक्वेशन में यहां पर एक अलग से फॉर्मूला टाइप में दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग. हम लोग ने पढ़ा है इसको, x माइनस 1 द होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया, a माइनस b द होल स्क्वायर. a माइनस b द होल स्क्वायर का स्प्लिट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. यानी आप इसको ओपन करोगे, एक्सपांड करोगे तो आपको ये फॉर्म में मिलेगा. ठीक है, तो देखिए a के बदले यहां पर क्या है x, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a और b को दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 into x, 2x into 1, 2x ही मिलेगा हमको, प्लस b स्क्वायर, b बोले तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1. ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले का स्प्लिट है. अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ये फॉर्मूले के हिसाब से स्प्लिट कर लेते हैं. a की जगह पे यहां पर x है तो x स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 और a और b दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो a बोले तो x, b बोले तो 1, तो 2 into x, 2x into 1, 2x ही रहेगा, प्लस b स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3. अब देखो वापस से इक्वल्स टू के बाद 0 आना चाहिए, तो ये दोनों नंबर को हम यहां ले लेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 2x बराबर, ये भी x है इसको यहां ले लेता हूं, प्लस है यहां आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 1,
ये 3 है, इसको यहां ले लेता हूं प्लस से, यहां आएगा तो माइनस इज इक्वल्स टू 0, दोनों सेम है, x स्क्वायर माइनस इनटू माइनस प्लस, 2 प्लस 2 4, प्लस इनटू माइनस माइनस होता है, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा बच्चों लोग, 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अगेन हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, कंपेयर कर लेते हैं इसको, किससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, a 1 हो गया, b माइनस 4, c इज इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, दिमाग ध्यान से खाली सॉल्व करिए, ये फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए अलग एक सम दिया, थोड़ा सा यहां पर हमें ब्रैकेट दे दिया है ये साइड में, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन कर लेते हैं, सॉल्यूशन x स्क्वायर प्लस 5x, ये 3 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस है, यहां कुछ भी नहीं है यानी प्लस है, माइनस इनटू प्लस, माइनस माइनस इनटू माइनस प्लस। ठीक है बच्चों, सेम इन दोनों को यहां ले लेते हैं क्योंकि हमें 0 चाहिए, x स्क्वायर प्लस 5x, ये x यहां प्लस है, यहां आएगा तो माइनस, माइनस 3 है, वहां आएगा तो प्लस इज इक्वल्स टू 0। ध्यान रखिए कि मैंने 3 के बदले पहले x को लिया है, तो आप ऐसा कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि x को x के बाजू में लिखेंगे तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, सेम टर्म है दोनों भी, x स्क्वायर प्लस इनटू माइनस माइनस, 5 में से 1 गया तो 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, a अगेन a की वैल्यू क्या है यहां पर 1, b की 4 और c की क्या है बच्चों 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, सॉल्यूशन इन दोनों को यहां ले लेंगे, 3m स्क्वायर प्लस है, यहां आएगा तो माइनस, 2m स्क्वायर माइनस है, यहां आएगा तो प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, सेम देखिए, तो 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1, m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब आप ये इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यहां पर हमारे पास ना दो ही आया है टर्म। ठीक है, अब हमको क्या करना है बच्चों, 1 2 3 ये फॉर्म में होना चाहिए, यहां पर b की वैल्यू नहीं है यानी b यहां पर 0 है, तो मैं क्या करूंगा इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूं, m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये 0m मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो इक्वेशन मेरी बनी है सॉल्व करने के बाद इसमें b की वैल्यू नहीं है, तो हम इसको अपने आप पुट कर सकते हैं क्योंकि हमें शो करना रहता है। ठीक है, अब आप इसको कंपेयर कर लीजिए वापस से, कंपेयरिंग विद am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल्स टू 0, मैंने वेरिएबल चेंज करा है यहां पर। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू यहां पर क्या है 1, b की 0 और c की क्या है 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सॉल्यूशन कर लेते, p ब्रैकेट बना के दिया हुआ है यानी p को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इनटू p 3p प्लस 6 इनटू p, ये p p से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमको 6p स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 5। हमेशा याद रखिए, अगर जब आपको मल्टीप्लिकेशन करने बोलेगा तो पहला मल्टीप्लिकेशन करने का फिर जीरो करने का, हां यानी ये साइड पे जीरो लाने का। अब देखिए इसको मैं यहां ले लेता हूं, ये माइनस है, यहां आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 6p स्क्वायर प्लस 3p, ये माइनस है, यहां आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस इज इक्वल्स टू 0, कंपेयरिंग लिख लेना आप लोग, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, देखो कंपेयरिंग किससे लिखोगे, कंपेयरिंग a p स्क्वायर प्लस b p प्लस c इज इक्वल्स टू 0, a की जगह पे क्या है 6, b की जगह पे क्या है 3, c की जगह पे क्या है 5। सिक्स सम सॉल्यूशन 30 ने यहां पर इसको यहां लेके आ जाएंगे, x स्क्वायर माइनस 9, ये यहां प्लस है, यहां आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए वापस यहां पर ये सम कैसा था, b की वैल्यू नहीं आ रही थी, यहां पर भी नहीं आएगी, देखिए x स्क्वायर माइनस इनटू माइनस प्लस 9 प्लस 13 इज हाउ मच 22
इज इक्वल्स टू 0। आप देख रहे हैं यहां पर b की वैल्यू नहीं है, तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूं अपने हिसाब से, x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 22 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कंपेयर करेंगे इसको भी, क्या मिला हमें, a की वैल्यू क्या मिलेगी 1, b की 0, c की माइनस 22। ठीक है बच्चों, अच्छे से सॉल्व करिए इसको, बराबर सॉल्व करिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आप लोग नोटबुक में देख के तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नंबर 4 में डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। यानी क्या करना है बच्चों, ये इक्वेशन दिए लोग ने हमें और यहाँ पर हर इक्वेशन के साथ दो वैल्यू दिया है। यहाँ पर हमें बोल रहा है x की वैल्यू 1 है और सेकंड टाइम में बोल रहा है x की वैल्यू माइनस 1 है। तो हमें करना क्या है, इन दोनों साइड को इक्वल प्रूफ करना है। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के बदले 1 डालेंगे तो हमें 0 मिल जाना चाहिए। अगर 0 मिल गया तो रूट है और अगर 0 नहीं मिला तो रूट नहीं। ठीक है, करके देखेंगे समझ में आ जाएगा हमें। सोल्यूशन करते हैं, हम इक्वेशन लिख लेते पहला, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर दो साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दिए है। अब क्या करोगे, x की वैल्यू 1 पुट करोगे, तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1, जहां जहां x है वहां 1 डाल दीजिए, x स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस 4x तो साथ में ब्रैकेट में 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर बच्चों क्या आता है, 1 प्लस 4 1 का 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 4 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 5 में से 5 गया तो 0 इज इक्वल टू 0। देखा आपने, आपको दोनों साइड 0 मिल गया, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप फुल फॉर्म में लिखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड देखिए, हमें x की वैल्यू माइनस 1 भी दिया है, तो सेम लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 1, जहां जहां x है वहां माइनस 1 लिखेंगे हम लोग, तो x स्क्वायर तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 x के बदले माइनस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 का स्क्वायर भी बच्चों 1 होता है, 4 1 जा 4 माइनस इनटू सॉरी प्लस इनटू माइनस माइनस होता है, तो माइनस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 1 में से 4 गया तो माइनस 3 बचेगा बच्चों, माइनस 5 को एज इट इज लिख दिया मैंने, माइनस इनटू माइनस प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहां पर आपको 0 नहीं आया, तो इसका मतलब देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 इज नॉट अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट सम है, फोर्थ वाले का देख लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन, 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। दो वैल्यू दिए, पहला m की 2 है तो लिखेंगे पुटिंग m इज इक्वल टू 2, 2m स्क्वायर तो 2 एज इट इज आएगा, m के बदले 2 आ जाएगा, स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 5 m के बदले हम 2 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। 2 ब्रैकेट ले लेते, 2 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, 4 माइनस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 0, 2 4 जा 8 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 8 में से 10 लिया तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इक्वल है नहीं, देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सेकंड हमने एक और एक वैल्यू दिया हुआ है तो लिखते हैं वापस से, 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0, पुटिंग m इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, m इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए
2m square, 2 as it is, m square बोले तो क्या हो जाएगा बच्चों, pi upon 2 the whole square minus pi m, m के बदले क्या लिखेंगे हम लोग, pi upon 2 is equals to 0, 2 as it is ले लेते बच्चों, pi का square 25 upon 2 का square क्या जाएगा 4 minus pi, pi is a 25 upon 2 is equals to 0, ये 2 से ये 4 कट हो सकता है क्योंकि दोनों अप एंड डाउन है, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो आपको क्या मिल रहा है 25 upon 2 minus 25 upon 2 is equals to 0, सेम नंबर है तो 0 is equals to 0, आपको दोनों जगह पे क्या मिल गया 0, therefore m is equals to 5 upon 2 is a root of given quadratic equation, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया, आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, find k if x is equals to 3 is a root of equation, ये equation का 3 root है और हमें k की value बताना है, ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले सम किए थे, x के बदले value put करके ये बताए थे कि x is equals to 1 root है या नहीं, ये सब में हमें clearly बोल रहा है कि x is equals to 3 इसका root है, ठीक है, यानी हम अगर x के बदले 3 डालेंगे तो दोनों साइड 0 आ जाएगा, लेकिन काम हमें अलग दिया है, यहां पर k की वैल्यू यानी कांस्टेंट टर्म की वैल्यू नहीं है, तो हमें k की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है, तो मैं पहले ये इक्वेशन लिखता हूं, k x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, अब आप क्या करोगे, पुटिंग सेम x is equals to 3, जहां जहां x है वहां 3 लिख दीजिए, ठीक है, k x square, k as it is, x की value 3 है, square, minus 10, x की value 3 है, plus 3 is equals to 0, ठीक है, k 3 square, तो 3 का square क्या होता है बच्चों, 9, तो हम इसको लिखेंगे 9k, ठीक है, k पीछे आ जाएगा number के, minus 10 3 is a 30, प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये दोनों सॉल्व हो जाएगा आपका, 9k माइनस इनटू प्लस माइनस 30 में से 3 गया तो 27 इज इक्वल्स टू 0, ये प्लस है मान, सॉरी ये माइनस है मान लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, प्लस 9k इज इक्वल्स टू 27, मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आप लिखोगे k is equals to 27 upon 9, 9 1 जा 9 3 जा, therefore k is equals to 3, आपको k की वैल्यू मिल गई, ठीक है, बहुत सिंपल सम है, आराम से करिएगा, माइनस प्लस बराबर देखिएगा फिर सॉल्व करिएगा, सेम सम यहां पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहां लिखा है, ठीक है, एक्टिविटी टाइप में दिया हुआ है, देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, complete the following activity to find the value of k, ठीक है, क्वेश्चन में देख लेता हूं एक बार, कंफर्म कर लेता हूं, वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन ये है इज 7 upon 5 दिया है शायद क्वेश्चन में, माइनस 7 अपॉन 5, ठीक है, माइनस 7 अपॉन 5 ये वैल्यू दिया है हमें, और हमको यहां पर भी k की वैल्यू फाइंड आउट करनी, सिमिलर सम है, देखिए ये लोग ने एक्टिविटी बना के दी, हम पुट करके देखते, डैश इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा रूट है, माइनस 7 अपॉन 5, पुटिंग देखिए मैंने यहां लिखा था m माइनस 7 अपॉन 5, तो जहां जहां m है वहां पर 7 upon 5 आ जाएगा, देखिए लोग ने यहां बॉक्स बना के लिए है n के बदले, तो हम लिखेंगे minus 7 upon 5 plus 2 into m minus 7 upon 5, ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते पूरा, इन लोगों ने छोटा छोटा दिया है, हम लोग थोड़ा पूरा क्लियरली सॉल्व कर लेते इसको, ठीक है, कैसा सॉल्व होगा देखो, ये 7 का स्क्वायर आएगा और 5 का भी स्क्वायर आएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ठीक है, मैं यहां लिख के दिखा देता हूं आपको, 5 into 49 upon इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 plus 2 into as it is रहेगा ये -7 upon 5, ठीक है बच्चों,
अब देखिए आप इसको कट कर सकते हो, 5 1 5 5 5, तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट क्या मिल रहा है, 49/5। ठीक है, ये यहाँ पर प्लस, हम लोग इसको बाद में सॉल्व कर लेते हैं, मैंने आपको ये पूरा सॉल्व करके दिखा दिया कि यहाँ पर हम लोग को डायरेक्ट बॉक्स में कैसा लिखना है। एक बार और देख लीजिए आप लोग, ठीक है, 5 × 7² 49, 5² 25, 5 1 5 5, ठीक है, तो क्या मिल रहा है हमें यहाँ पर, 49/5। ठीक है बच्चों, अब इसको देखिए यहाँ पर, 2 × 7 − 14/5 मिल गया बच्चों। ठीक है, अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, प्लस इंटू माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस। ठीक है, तो 49 − 14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। 49 में से हमको इसको लेस करना है, तो 35 मिल जाएगा आपको, 35/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। 5 1 5 7, देयरफॉर 7 प्लस k इज इक्वल टू 0, ये प्लस है वहां जाएगा, तो माइनस, k इज इक्वल टू -7। ठीक है बच्चों, सम सॉल्व हो गया हमारा।